बीते एक साल में खाने के तेल की कीमतों में अच्छी खासी बढ़त हुई है। महंगे तेल ने आम आदमी का जायका ही बिगाड़ दिया, लेकिन अब त्योहारों पर खाने के तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। तेलों पर ये स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। सभी तेल और तिलहन के विक्रेताओं, रिफाइंड प्रोसेसर्स, इंपोर्टर्स पर ये स्टॉक लिमिट लागू होगी। इसके अलावा सेबी ने सरसों के वायदा कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने ये कदम त्योहारी सीजन में खाने के तेल की कीमतों को काबू में करने के मकसद से उठाया है। सरकार ने इससे पहले भी खाने के तेल की कीमतों को कम करने के मकसद से कई कदम उठाए थे। खाने के तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई। इसके अलावा सरकार ने कई तेलों के इम्पोर्ट को भी मंजूरी दी थी, लेकिन इन कदमों के बावजूद तेल की कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। कीमतों में हल्की कमी आई, लेकिन कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला। इसीलिए सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। दशहरा और दिवाली का त्योहार आने वाला है और खाने के तेल की कीमतों में पिछले एक साल में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। मूंगफली का तेल पिछले साल अक्टूबर में 85 रुपए से 200 रुपए के बीच था, जो आज 91 रुपए से 243 रुपए के बीच बिक रहा है। सरसों का तेल पिछले साल अक्टूबर में 90 से 175 रुपए प्रति लीटर था, जो कि आज 115 रुपए से 211 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वनस्पति तेल पिछले साल 60 से 164 रुपए प्रति लीटर था, जो कि आज 71 रुपए से 229 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सोया तेल 77 से 142 रुपए प्रति लीटर था, जो कि आज 100 रुपए से 209 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सूरजमुखी का तेल 65 से 148 रुपए प्रति लीटर था, जो कि आज 76 रुपए से 177 रुपए हो गया है। तो वहीं पाम ऑयल 65 से 148 रुपए प्रति लीटर था, जो कि आज 76 से 177 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जानकारों का मानना है कि बाजार में सप्लाई में असल में बड़ी किल्लत है। भारत खाने के तेलों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है और यहाँ उनकी कीमत रिकॉर्ड हाई लेवल के पार चल रही है। देश में रसोई तेलों की 2/3 जरूरत इंपोर्ट से पूरी की जाती है। भारत अपनी जरूरत का करीब 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। हर साल करीब 2,35,00,000 टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। इस पर करीब सालाना 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अब भारत खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। स्टॉक लिमिट लगाने और इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से त्योहारों के मौसम में आम आदमी को खाने के तेल की महंगाई से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे खाने के तेल की कीमतें 10 से 20% नीचे आ सकती हैं।